आज मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो आपके गार्डन को हरा भरा बनाते हैं, यानी वो वाले प्लांट कटिंग से भी लग जाते हैं और आप उनको छोटे छोटे पॉट में भी इजीली कटिंग से लगा सकते हैं और उनकी केयर भी बताऊंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू कटिंग से इजीली लग जाता है और आप इसको छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मैंने ऐसे DIY प्लांटर बनाकर उसमें इसको लगा रखा है और इसकी छोटी छोटी कटिंग ही लगाई थी। और ये इंडोर वाला प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। नर्सरी से आपको ये 30 या 40 रुपये में छोटा प्लांट मिल जाता है और ये वाइन की तरह बढ़ता है और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कलरफुल होती हैं और हैंगिंग बास्केट में तो ऐसे ही लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आपके गार्डन को हरा भरा बनाना है तो ये वाला प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। दूसरा प्लांट है ये रियो का। रियो भी परमानेंट प्लांट है और आपके गार्डन को पूरे साल हरा भरा रखता है। और ये वाला जो प्लांट है ये नर्सरी से आपको 30 या 40 रुपये में मिल जाता है। अगर आपको एक इसकी ऐसे छोटा सा प्लांट मिल जाता है तो आप उससे अचारों बना सकते हैं और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर से ऐसे ग्रीन नीचे से पर्पल होती हैं। और ये रूट से डिवाइड होने वाला प्लांट है, यानी एक लाओ हजारों बनाओ, ये ऐसा प्लांट है और कम देखभाल में चलता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमेशा आपके गार्डन में हरा भरा रहता है। और अभी गर्मियों की तेज़ धूप में अगर आपको गार्डन अपना हरा भरा चाहिए तो आप ये वाला प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसको पानी आप मिट्टी को चेक करके दे सकते हैं और ये इंडोर में चलने वाला प्लांट है। तीसरा प्लांट ये है थूजा। इसको मोरपंख भी बोलते हैं और इसको विद्या का प्लांट भी बोलते हैं। तो ये वाला प्लांट भी हमारे गार्डन को हरा भरा रखता है पूरे ही साल। इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन ग्रीन रहती हैं। और अगर आपको अपने गार्डन हरा भरा चाहिए तो ये वाला प्लांट आप ला सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट होता है और कम देखभाल में ही चलता है और इसको भी आप इनडोर में रख सकते हैं। अगर आप इसको आउटडोर लगाए तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं, ये ज़मीन में अच्छे से चल जाता है। और गमले में इसको बस साल में 2 बार खाद दे दो और पानी इसको मिट्टी चेक करके दो। और जितना ज़्यादा हो सके गर्मी के मौसम में इसको आप इंडोर में या शेडेड एरिया में ही रखने की कोशिश करें। और अगर आप इसको शेडेड एरिया में और टाइम टू टाइम पानी देते रहेंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में हरा भरा बना रहेगा। और इसके ऐसे छोटे छोटे शीट बन जाते हैं तो आप इसको शीट से भी ग्रो कर सकते हैं, इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे प्लांट दिखा रही हूँ जिनको आप 1 से 2 बना सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये थूजा प्लांट यानी मोरपंख बेहद ही खूबसूरत और हमेशा हरा भरा रहने वाला शुभ पौधा भी माना जाता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। चौथा प्लांट है ये फाइकस। फाइकस तो परमानेंट प्लांट होता है, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और इसको आप ज़मीन में भी बड़ा पेड़ बना सकते हैं। तो ये भी हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही हरे हरे पत्तियों के कारण जाना जाता है, हमेशा ग्रीनरी ऐड करता है। नर्सरी से आपको ये 80 या 100 रुपये में मिल जाता है। मैंने पीछे सीजन में मैंने इसको लिया था और ये 80 रुपये का मिला था और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और इसकी स्टीम काफ़ी मोटी हो गई है। तो मैंने इस गमले में इसको रिपोर्ट किया था और मेरी पीछे वीडियो में इसकी जो रिपोर्ट किया था वो मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये वाला जो फाइकस प्लांट है इसकी भी कटिंग लग जाती है और इसको तो आप धूप में भी रख सकते हैं, बट अभी अगर गर्मियों की तेज़ धूप हो तो इसको धूप से बचाना होता है और इसको आप शेडेड एरिया में रख सकते हैं। पानी आप इसको मिट्टी चेक करके दे सकते हैं और खाद इसको आप साल में 2 या 3 बार दे दें तो ये आराम से सर्वाइव करता रहेगा। तो ये वाला प्लांट भी हमारे गार्डन में हरियाली लाने के लिए बेस्ट रहता है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जो परमानेंट होता है। पांचवा प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट भी माना जाता है। ये इंडोर वाला प्लांट है और ऑक्सीजन से भरपूर है। ये हमारे जो वातावरण है हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है। और इसको आप नर्सरी से छोटा सा प्लांट आपको 60 या 70 रुपये में मिल जाता है और इसमें अलग अलग वैरायटी आती हैं। आप छोटा जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसको भी ला सकते हैं और ऐसे भी, और ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है और ये भी रूट से डिवाइड होने वाला प्लांट है। यानी अगर एक ले लिया आप तो उसको आप डिवाइड कर करके हजारों बना सकते हैं। और इसको भी पानी कम देना होता, गर्मियों की धूप में अगर इसको पानी देना है तो आप शाम के टाइम इसको पानी दे सकते हैं। और ये भी परमानेंट प्लांट होता है और हमेशा आपके गार्डन में हरा भरा बना रहता है, इसको भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे भी कटिंग से ही तैयार आप कर सकते हैं, मैंने ये कटिंग से तैयार किए हैं और छोटे छोटे ऐसे DIY प्लांटर में भी आप इनको लगा सकते हैं।
छठा प्लांट है ये लेडी पाम। तो पाम की तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मतलब अलग अलग पत्तियों वाले पाम के प्लांट आते हैं, इसको लेडी पाम बोलते हैं। ये इंदौर वाला प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट होता है और ये भी रूट से डिवाइड होता रहता है। इसको आप नर्सरी से 150 या 200 रुपये में ला सकते हैं। मैंने ये 2 मंथ पहले ही लिया था। तो ये वाला प्लांट भी हमारे गार्डन में पूरे ही साल हरा भरा बना रहता है, और गर्मियों की तेज़ धूप में अगर आपको अपना गार्डन ग्रीन ग्रीन चाहिए तो ये वाला प्लांट लगा लो। 7वां प्लांट है ये चाइना पाम। तो ये भी पाम की एक वैरायटी है। इसकी जो पत्तियां हैं वे बेहद ही खूबसूरत होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी हाथी के कान के जैसी होती हैं, और ये अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये भी नर्सरी से आपको 100 रुपये में मिल जाता है, और ये भी हमेशा आपके गार्डन में हरा भरा बना रहता है और परमानेंट रहता है। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये 4 साल का है, और एक अलग प्लांट मैं दिखाऊँगी वो मेरा 2 साल का है। तो ये वाला प्लांट भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ग्रीनरी ऐड करता है, और इसको अगर आपने एक बार लिया तो आपके गार्डन को हरा भरा बना देता है, पॉजिटिविटी लाता है। और ऐसे प्लांट तो आप सजावट के तौर पे भी अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। और ये वाला प्लांट इंडोर में रखने का होता है, इसको आप शेडेड एरिया में रख सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने ऊपर रखा हुआ है, तो मेरे पास ये 2 प्लांट है और मेरे को ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो पत्तियाँ वो बेहद ही खूबसूरत हैं। 8वां प्लांट है ये अपना विक्टोरिया प्लांट, इसको आप ड्रेसिना प्लांट भी बोल सकते हैं, और इसकी जो पत्तियां वे बेहद ही खूबसूरत है, और ये कटिंग से इजीली लग जाता है। ये वाला प्लांट मेरा कटिंग से तैयार हुआ है, और इसी में से मैंने कट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने कट किया था यहाँ से, और जैसे ही मैंने कट किया तो यहाँ साइड में से ये अलग से पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई, और ये वाली कटिंग भी मेरी लग गई। तो ये कटिंग से भी लग जाता है और खूबसूरत पत्तियों के कारण भी जाना जाता है, और ये भी परमानेंट होता है। और ये वाला प्लांट मेरा 3 साल का है। 9वां प्लांट है ये अपना डेविल्स बैकबोन। तो डेविल्स बैकबोन भी कटिंग से इजीली लग जाता है, और ये मेरा प्लांट कटिंग से ही तैयार हुआ था। मेरे को एक प्लांट की कटिंग मिली थी, तो उसमें से मैंने 2 पार्ट किए और एक यहाँ पे लगा दिया, और एक जहाँ नीचे मैंने गार्डन में रखा हुआ है वहाँ पे लगा दिया। तो ये भी हमेशा अपने गार्डन में ग्रीन ग्रीन ऐड करता है, यानी हमेशा ये वाला प्लांट ग्रीनरी ऐड करता है, कटिंग से लग जाता है, परमानेंट होता है, और हमारे गार्डन को हरा भरा बनाता है। और ये कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, और इंडोर में इसको रखना होता है, शेडेड एरिया में आप इसको रख सकते हैं, और नर्सरी से आपको ये भी 70-80 रुपये में मिल जाता है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। 10वां प्लांट है ये खूबसूरत पत्ती वाला सिंगोनियम, और ये भी हमेशा हरा भरा रहता है अपने गार्डन में। अगर आपने इसको 100 रुपये में लाकर अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में ऐड हो जाता है, और ये कटिंग से इजीली लग जाता है। मनी प्लांट की तरह इसमें रूट्स निकलती हैं, और उनको आप वहाँ से कट करके अलग छोटे छोटे पॉट में आप इनको लगा सकते हैं, ये आराम से लग जाता है। अब आती है सबसे खूबसूरत प्लांट की, यानी बहुत ही शुभ प्लांट की, और ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट मेरा फेवरेट है, और इसकी आप पत्तियाँ देखो, एक बिलान के जैसी ये इतनी बड़ी पत्तियाँ हो रखी हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये परमानेंट रहता है। अगर आपने नर्सरी से इसको 70 या 80 रुपये में ले लिया तो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता, क्योंकि ये कटिंग से इजीली लग जाता है। और इसकी ये खासियत है, आप इसको पानी में, मिट्टी में छोटी छोटी कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। इसमें नोड एरिया होते हैं और वहाँ से रूट्स निकलती हैं, तो आप उनको कट करके कैसे भी आप इजीली लगा सकते हैं, तो ये आराम से कटिंग लग जाती है। और ये मैंने DIY प्लांटर में लगा रखी है, और आप देख ही रहे हो इसकी वाइन कितनी नीचे तक ऐसी लटकी हुई है। तो हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ऐसे लटकी हुई बेहद खूबसूरत लगती है। तो आपको अपना गार्डन हरा भरा चाहिए तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉट में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत लगता है। 11 नंबर पे है ये अपना कोलियस। तो कोलियस भी बेहद ही खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है, और ये भी आपके गार्डन में हमेशा हरा भरा बना रहता है, यानी पूरे ही साल अगर आपको गार्डन हरा भरा चाहिए और कलरफुल चाहिए तो ये कोलियस का प्लांट आप 30 या 40 रुपये में नर्सरी से ला सकते हैं। अभी गर्मी के मौसम में इसको आपको शेडेड एरिया में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना होता है, आप इसको इंडोर में रख सकते हैं, रूम के अंदर भी रख सकते हैं, बट वहाँ पे ब्राइट लाइट आनी चाहिए तभी अच्छे से ग्रो होएगा। और पानी इसको दोनों टाइम देना होता है, पानी ज़्यादा भी नहीं देना होता है। इसको भी आप कटिंग से छोटे छोटे ऐसे पॉट में या प्लांटर में लगा सकते हैं, तो इसमें भी आप साल में 2 बार खाद दे दें और ये आराम से सर्वाइव करता रहता है। आप गोबर की खाद किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम बहुत मात्रा में होता है, तो आप इसको कटिंग से इजीली छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, इसको भी ऐड। 12वां प्लांट है ये अल्ट्रा नेथ्रा, इसको हेज प्लांट भी बोलते हैं, और ये भी अपनी
पत्तियों के कारण खूबसूरत जाना जाता है और ये भी हमारे गार्डन में हमेशा हरा भरा बना रहता है और कटिंग से इजीली लग जाता है। इसमें भी नोड एरिया होते हैं, आप छोटी सी कटिंग को छोटे छोटे पॉट में, प्लांटर में और कहीं पे भी आप बोतल वगैरह को कट करके उसमें इसको लगा सकते हैं। ये सर्दियों में जो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी रेड रेड हो जाती हैं, बट इसकी देखो आप इतनी सी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। तो एक बार अगर ये वाला प्लांट आपने ले लिया तो ये भी परमानेंट होता है, कम देखभाल में चलता है। और ये मैंने 60 रुपये का ही लिया था नर्सरी से, तो आप इसको 50 या 60 रुपये में ला सकते हैं। और इसकी पत्तियाँ देखो कितनी खूबसूरत होती हैं। लास्ट प्लांट है ये जेड प्लांट। तो जेड प्लांट के बारे में तो सभी को ही पता होता है, ये शुभ पौधा होता है, कटिंग से इजीली लग जाता है। नर्सरी से आपको 100 या 150 रुपये में छोटा प्लांट मिल जाता है और इससे आप कटिंग करके बहुत सारे बना सकते हैं। इसको आप कोई भी शेप में दे सकते हैं, यानी इसको शेप में ढाल सकते हैं, पिकोक, टोपारी, बोनसाई, जैसा आपका मन करे आप इसको शेप दे सकते हैं। और ये मैंने पिकॉक बनाया है और इसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा ग्रीन रहती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और धूप का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको 4 या 5 घंटे में ये धूप में चल जाता है, बट इसको पानी दोनों टाइम देना होता है, ज़्यादा गर्मी हो तो। और ये वाला प्लांट भी हमारे गार्डन को हमेशा हरा भरा बना देता है। मैंने ये छोटे छोटे सभी कटिंग से ही बनाए हैं, तो ये वाला प्लांट परमानेंट होता है, शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है, पैसों को खींचने वाला, पैसों को अट्रैक्ट करने वाला माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जो प्लांट दिखाई है सभी आपके गार्डन को हरा भरा बना देंगे, परमानेंट होते हैं। कुछ इंडोर हैं, एक दो आउटडोर होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।